हेलो दोस्तों, दो कंपनियों का हम रिसर्च करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला नाम है संवर्धना मदरसन और दूसरा नाम है सोना कॉमस्टार। लेटेस्ट डेटा के साथ हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं और दोनों ही कंपनियां सेम इंडस्ट्री जो कि ऑटो एंसिलरी की इंडस्ट्री है वहां पर काम कर रही है और जो बहुत बड़ी मेगा थीम जिसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वहां पर दोनों ही कंपनियां काम कर रही है। तो दोनों कंपनियों को और डीप में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब देखिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय में जो संवर्धना मदरसन है उनका शेयर प्राइस कुछ 83 रुपीस के आसपास में है और मार्केट कैप लगभग 56,000 करोड़ के आसपास में है। और सोना BLW की जब हम बात करेंगे शेयर प्राइस कुछ 507 रुपए के आसपास में है लेकिन मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास में है। तो इसका मतलब है जो संवर्धना मदरसन है मार्केट कैप के हिसाब से सोना BLW से बड़ी कंपनी है, ये आप मान सकते हैं दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स डेटा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्राइस टू अर्निंग यहां पर संवर्धना मदरसन का बताता हूं, 36 के आसपास में है और सोना BLW का आप देखेंगे 74 के आसपास में है। मतलब एक और एनालिसिस में हमको एक डेटा पॉइंट मिला कि संवर्धना मदरसन थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता स्टॉक मिल रहा है। लेकिन जब आप दूसरे पैरामीटर्स की बात करेंगे जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिलहाल अभी 9-10 के आसपास बता रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्क्रीनर में जैसे आप देख सकते हैं 7.2 के आसपास में बता रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि किस हिसाब से 5 साल का सेल्स ग्रोथ हुआ है तो यह 7% के आसपास में हुआ है और 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है यह भी बिल्कुल नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये किसका? संवर्धना मदरसन की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि जो आंकड़े एक्चुअली बता रहे हैं कि जो बहुत ठीक ठीक आंकड़े हैं, बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है। लेकिन सोना BLW महंगा हो सकता है लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है 22 के आसपास में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जल्दी से आपको समझा दूं, जो भी पैसा जो भी बिजनेस में लगा है, डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, अब उस पर कंपनी ने कितना कमाया है इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले, इसको आप रिटर्न ऑन इक्विटी मान सकते हैं। तो 22 अच्छा नंबर है कंपेयर टू संवर्धना मदरसन। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 18.6, अगेन मदरसन की तुलना में अच्छा नंबर है। 5 साल सेल्स ग्रोथ देखिए 34% है और यहां पर आप देखिए लगभग 7% के आसपास में था। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल का 38% है। तो इसीलिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज हमेशा देखना होता है, हर कंपनी अलग है, हर कंपनी का एनालिसिस अलग हो सकता है। यहां पर कुछ फंडामेंटल नंबर्स में सोना BLW हमको अच्छा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू संवर्धना मदरसन और उसके कारण से हो सकता है इनको वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा भी मिला हो। अब मार्केट की अपनी सोच होती है, मार्केट ने इनको 36 का पीई दिया है, कल कुछ और पीई भी इनको दे सकते हैं। आज इनको 74 का पीई दिया है, कल कुछ और भी पीई दे सकते हैं, बट फिलहाल अभी 74 का पीई सोना BLW का है और प्राइस टू अर्निंग जो संवर्धना मदरसन है 36 के आसपास में। अब बिजनेस के बारे में हम एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऑटो एंसिलरी में काम है संवर्धना मदरसन में और भारत और भारत के बाहर भी उनके बहुत सारे बिजनेस है। और जो मेन बिजनेस है उनका, जब भी आप एक इमेजिन करिए कोई कार को या फिर एक बड़े ट्रक को आप इमेजिन करिए, तो वायरिंग के बहुत सारे सामान होते हैं, फिर विजन के सामान होते हैं, फिर पॉलीमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं यहां पर संवर्धना मदरसन का एक बड़ा बिजनेस हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा था, पिछले कुछ सालों में ROCE कंपनी का गिरा है और ये कंपनी भी कह रही है। और कंपनी का ऐसा क्यों कहने का है, पहला तो कोविड का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था और ये इंपैक्ट संवर्धना मदरसन को ही क्यों, पूरी ह्यूमैनिटी को हुआ था, सबको, आपको, हमको, सबको हुआ था। उसके बाद से वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया था, मतलब कार्स जो है वो बिक नहीं रही थी, उसके भी अलग अलग कारण थे। आपको याद होगा 2021 में न्यूज आती थी चिप शॉर्टेज है, कार बिक ही नहीं पा रही है, भले ही कार की डिमांड्स हो लेकिन सप्लाई ही नहीं हो पा रही है क्योंकि चिप्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब तकलीफ थी। फिर 2022 में क्या तकलीफ थी आप ध्यान में बिल्कुल लाइए, पिछले साल में हम महंगाई की बहुत ज्यादा बातें करते थे कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए। तो ये सब जो इंपैक्ट है संवर्धना मदरसन को भी पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया उनका ROCE भी बढ़ता गया यहां पर, और जस्ट क्वार्टर फोर के समय में ROCE बढ़कर 18% हो गया है और कंपनी का ये टारगेट है 2025 फाइनेंशियल ईयर होते होते ROCE को 40% तक ले जाना, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। और ये अगर टारगेट के पास कंपनी पहुंचती है तो बिजनेस वाइज तो ये बिल्कुल पॉजिटिव यहां पर हो जाएगा। और ये हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में देखना है कि धीरे धीरे, चलिए मान लिया 7% से फिर धीरे धीरे 11-18% के आसपास में अभी ROCE आ गया है, अब ROCE किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टोरी भी बन सकती है दोस्तों। फिर डीलेवरेजिंग उनका हमेशा से डेट टू इक्विटी ज्यादा ही रहा है, अभी आप देखेंगे 1.4 के आसपास में, जब आप देखेंगे डेट टू एबिटा है, डेट टू इक्विटी आप देखेंगे अभी फिलहाल 0.61 के आसपास में। तो इसीलिए डेट जो है कंपनी का ज्यादा है,
जब हम जो बिजनेस है क्योंकि कमा रही है कंपनी, जो एबिट्टा जो है उसके अगर एक रुपया है तो डेट थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, तो ये कंपनी ने यही कहा है कि इसी रेंज में ही रहने की बात है। अब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर फिर से रिविजिट या फिर इस बिजनेस में फिर से एनालिसिस करने का रहेगा। अब जो मैं टर्न अराउंड की बात कर रहा था, इतना तो पता ही है 2020-21-22 में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए 4 क्वार्टर में हाइएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू 4th टाइम ये हुए हैं। ये देखिए ये जो क्वार्टरली रेवेन्यू जो है उनका ये हाईएस्ट रहा है, इससे पहले जो था वो उस समय का हाईएस्ट था। तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और जो मार्जिन जो कम हो जा रहे थे वो अभी मार्जिन भी जो संवर्धना मदरसन है उनके अभी बढ़ना शुरू हो गए। क्वार्टर फोर में आप देखेंगे 2031 करोड़ का उनके द्वारा एबिट्टा हुआ है और मार्जिन आप देखिए 6.5% से 9% यहाँ बढ़ा है। मार्जिन क्यों घट रहा था? क्योंकि रॉ मेटेरियल के प्राइजेस उस समय में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे दोस्तों। ओवरऑल रेवेन्यू पूरा ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 23% रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा है। अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 39% जो ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आ रही है। कुछ 19.7 बिलियन यूरोस का अभी उनके पास ऑर्डर बुक है जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, लगभग 1.75-1.76 लाख करोड़ के आसपास में ऑर्डर बुक है जो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात कर रहे हैं उसके पास में है। प्रॉफिट्स की जब आप बात करेंगे प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है, लगभग आप देख सकते हैं 200% के आसपास में, 510 करोड़ से प्रॉफिट 1496 करोड़ यहां पर प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ जब हम संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वार्टर फोर का रिजल्ट मजबूत आया था। अब आने वाले समय में यही देखना है कि रिजल्ट्स जो आए हैं, क्वार्टर फोर तो अच्छा आया है लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्या सस्टेन कर पाता है कि नहीं रिजल्ट, या फिर से कुछ अचानक से खराब हो जा रहा है। अब धीरे धीरे हमने देखा डेटा में कि मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए ये मार्जिन अब किस तरीके से एबिट्टा मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये देखना रहेगा कि जो मार्जिन हैं वो इंक्रीज होते ही रह रहे हैं या फिर से डिप करना शुरू कर जाएगा। अब जो पिछले 2-3 सालों की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब नहीं है, कोविड की प्रॉब्लम नहीं है, फिर चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मेटेरियल के भी प्राइसेस अब धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गया। तो अब इन सब का मतलब क्या है कि बिजनेस में मार्जिन को लेकर थोड़ा अभी अच्छा हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी स्ट्रांग बुक है। अब यहां पर अगर संवर्धना मदरसन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट देखना है, भले ही आरओसी अभी बहुत मजबूत नहीं हो लेकिन कंपनी का कहना है कि वो 40 तक वो आरओसी लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे वो अगले 1-1.5 साल में बिल्कुल देखने का रहेगा। और यहां कुछ अगर एक्सपेक्टेशन रहेगी तो टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन रहेगी जब हम शामिल या संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। इनफैक्ट सोना बीएलडब्ल्यू और संवर्धना मदरसन के ऊपर जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है रिसर्च रिपोर्ट वो हमारे ऐप में हमने अपलोड भी की हुई है रिसर्च रिपोर्ट में, और आपको यहाँ पर आइडियाज जो है वो मिल सकते हैं। और साथ साथ में लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो है वो भी हमने हमारे ऐप में अपलोड किए हुए हैं, और ये जानने को मिलेगा कि बड़े फंड मैनेजर्स यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कंपनीज के बारे में, बिजनेसेस के बारे में। दोस्तों साथ साथ ऐप में आप कुछ फ्री वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप की लिंक को दिया हुआ है। कुछ कोर्सेज भी जो है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है और भी मजबूत होती रहे। दोस्तों अगला नाम है सोना बीएलडब्ल्यू करके, दोस्तों सोना बीएलडब्ल्यू वो भी ऑटो एंसिलरी का बिजनेस है उनका भी। और अगर आप देखेंगे कंपेरेटिवली जो संवर्धना मदरसन है उनके कंपैरिजन में वो साइक्लिकल उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, कंपनी ने स्टीडी यहां पर ग्रोथ किया हुआ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर ही देखेंगे 26% यहां रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर आप एबिट्टा मार्जिन देखेंगे 26% के आसपास में है, मतलब संवर्धना मदरसन के कंपेरिजन में मार्जिन स्ट्रांग है। प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास में है जो कि संवर्धना मदरसन का उतना मार्जिन नहीं है, 2.2-2.3% के आसपास ही मार्जिन है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 395 करोड़ के आसपास में हुआ है। आरओसी भी आप देखिए ये भी आपको मजबूत देखने को मिल रहा है, 30 के आसपास में यहां पर देखने को मिल रहा है जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का डेटा देख रहे हैं। तो ये सब नंबर से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बिजनेस में कुछ साइक्लिकल उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, स्टेडी स्ट्रांग बिजनेस जिसका स्ट्रांग आरओसी और बाकी बिजनेस यहां पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका भी काम है और अभी आप देखेंगे टोटल 42 प्रोग्राम उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मिले हुए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे किस हिसाब से रेवेन्यू शेयर है तो ये लगभग 26% के आसपास में है, मतलब 100 रुपया कंपनी कमा रही है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से 26 रुपए यहां पर जो सोना बीएलडब्ल्यू है वो यहां पर कमा रही है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑर्डर्स जो हैं वो 77% के आसपास में, मतलब 21,500 करोड़ का उनके पास ऑर्डर बुक है जो कि संवर्धना मदरसन के कंपैरिजन में कम ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक उनकी कम है लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। और लेकिन दूसरी चीज इनके मार्जिन स्ट्रांग है संवर्धना मदरसन के, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.72% है, सोना बीएलडब्ल्यू का आप देखिए 26% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15% के आसपास में इसके 2.2% है। तो हो सकता है उनके ऑर्डर बुक ज्यादा हो
लेकिन मार्जिन एक्चुअली में इनके जिस हिसाब से प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट का मार्जिन यहाँ पर ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू 26% बढ़ा है, प्रॉफिट भी यहाँ पर हमको देखने को मिला है, प्रॉफिट भी लगभग 15% के आसपास में हमको देखने को मिला है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे लगभग 398 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं सोना BLW की, तो हमने कुछ नंबर्स देखे जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ज्यादा फोकस है, मार्जिन्स जो है कंपेयर टू संवर्धना मदरसन स्ट्रांग है, और जो रॉ मेटेरियल प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं उसका भी उनको यहां पर फायदा है, और मार्जिन एक्सपेंशन यहां पर देखने का रहेगा। लेकिन बात यही है कि क्या हमको आपको जो कंपनी है सस्ते में मिल रही है। मीडियन पी 94 उनका रहा है, जो एक्चुअली में पी रेशियो थोड़ा सा महंगाई है, 94 पी बहुत ज्यादा कहा जाता है। अगर हम सिर्फ जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी की बात करें तो 1820 का उनका पी रेशियो होता है, तो 94 यहां पर थोड़ा ज्यादा है। अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो अभी भी 75 का पी बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। लेकिन जब कोई भी कंपनी का हाई पी रेशियो होता है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी सस्ते में तो नहीं मिल रही है, लेकिन इससे एक और एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि जो ग्रोथ वो कर रही है वैसा ही ग्रोथ आने वाले समय में भी होना चाहिए। और हमने देखा है खासकर 2022 में जिन कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा था और ग्रोथ वो नहीं कर पाए हैं तो मार्केट ने उनको पनिश भी किया है। तो दोनों ही अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर संवर्धना मदरसन की बात करते हैं तो यहां पर एक टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है, और जब हम सोना कॉमस्टार की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर यही एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि जो ग्रोथ है उसको वो यहां मेंटेन करके रखे। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको बिजनेस के बारे में और ज्यादा पता हुआ होगा, क्या चैलेंजेस है, क्या अच्छा है, क्या खराब है और ज्यादा पता चला होगा। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आएंगे तो हम फिर से एक लेटेस्ट एनालिसिस उस समय में भी कर लाएंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।